कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब के साथ आपको बताने जा रहा हूँ अपने कैरियर से रिलेटेड। देखिए अभी क्या हुआ, आपने देखा होगा 2021 में जो कोरोना आया था उसके बारे में आपको पता ही होगा कि कितना एम्प्लॉयमेंट जो था, कितने लोग जॉबलेस हो चुके हैं, आपको पता होगा। तो एक्चुअल बात क्या है कि वो जॉबलेस क्यों हुए, वहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी थी वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे वो सारे मर्ज हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों हमें डिप्लोमा करने के बाद हमें जॉब के लिए जाना पड़ेगा। पहली बात तो मैं एक आपको बता दूं कि जो भी चीज़ हम आज कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए बनी है। ये बड़े हमारे कहते हैं कि अगर अभी तुमने कुछ कर लिया तो आगे दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहली बात तो मैं अभी आपको एक नोटिस कर रहा हूँ, जैसे आप अभी, पहले क्या था, आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, 10th में आपका अच्छा स्कोर गया, 12th में अच्छा गया, फिर धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है, वी शेप की होती है, ऐसे धीरे धीरे कन्वर्ट होती रहती है हर किसी की अलग अलग टाइप से, क्योंकि उसी पे ध्यान निरंतर लगाना पड़ता है तब जाके कहीं हमको कुछ प्राप्त होता है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जब आप किसी भी फील्ड में जाएं तो उसमें भरपूर नॉलेज लें। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, अभी आप उसको मोबाइल देते हैं तो बहुत जल्दी चला लेता है, क्या इसकी कोई गारंटी है कि हम 20 साल बाद वो काम कर रहे होंगे तो वो लड़का हमसे भी कहीं ज़्यादा टेक्निकल होगा, तो हमारी फिर ज़रूरत ही क्या है, वो उनको नहीं हायर कर लेंगे कंपनी वाले, समझ रहे हैं आप। आपकी जितनी भी मेहनत, जवानी जितनी भी है, ये सब कंपनी वाले आपको, आपका स्किल है वो सब ले लेंगे। तो क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ग्रो करना है तो आपको लेटेस्ट अपडेट लेनी पड़ेगी, मतलब सीखना पड़ेगा हर बार में, कुछ नया नया कुछ सीखना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। और अगर आप इस फील्ड में अगर तैयार नहीं हैं, आप अगर भरोसे बैठे हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपको अगर जॉब एक मुश्किल से मिल भी गई तो उसमें क्या होगा, वो जॉब मिली, आपने 2-3 साल काम किया और फिर उस कंपनी का मान लीजिए किसी प्रकार से बंद हो गई, फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली कंपनी में भी आपको जॉब मिल जाएगी। मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि आपको हमेशा अपडेट रहना है, कंपनी निकालने से पहले भी आपको उसको भी डर लगे कि अगर मैंने ये एम्प्लॉय निकाल दिया तो मेरा बहुत से काम रुक जाएंगे, ऐसा आपको बनना है। और हाँ मैं एक बात और कहता हूँ कि आप कैसे भी बनिए, ऐसा बनिए कि जैसे कि आप कहीं भी फील्ड में हो, किसी भी जंगल में भी हो, तब भी वहाँ पर अपना आप गुजारा कर लें, ऐसा बनने की कोशिश कीजिए, मेरा कहने का मतलब। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डिप्लोमा का आपका दोस्त और मैं आपके सवाल का एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसकी मैं वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, तो इसको आप ज़रूर देखिए। और मैं गुस्सा नहीं होता हूँ किसी पे, हालांकि मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरे बड़े लोगों ने मुझे सिखाई हुई है, वही मैं बता रहा हूँ और वो मुझे पता है मेरे यहाँ कितने एम्प्लॉयमेंट हैं, कितना कैसा चल रहा है मुझे पता है, मेरे दोस्तों में कैसा क्या चल रहा है और कैसा फील होता है।